श्री राम मंदिर जिसे अयोध्या राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित एक हिंदू मंदिर है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है और माना जाता है कि इसका निर्माण राम जन्मभूमि पर किया गया है। यह राम मंदिर भगवान राम से जुड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है और हिंदुओं के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। राम मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे के इस्तेमाल से पूरी तरह परहेज किया गया है। इसके बजाय स्थिरता पर जोर देने के साथ साथ पारंपरिक निर्माण प्रथाओं के साथ साथ संरक्षण को प्रतिबंधित करने के लिए इसके निर्माण में पारंपरिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है। राम मंदिर के निर्माण में उपयोग की जाने वाली प्रमुख निर्माण सामग्री है, जिनमें निम्न प्रकार हैं। मुख्य मंदिर संरचना में राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। कबूतरे में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जड़ाई कार के लिए सफ़ेद मकराना और रंगीन संगमरमर का उपयोग किया गया है और मंदिर के दरवाजे के निर्माण में सागौन की लकड़ी का उपयोग किया गया है तथा इसके निर्माण में श्री राम अंकित विशेष ईंटों का उपयोग किया गया है और रामशिला के नाम की ये ईंटें राम सेतु के निर्माण में इस्तेमाल किए गए हैं, पत्थरों के साथ समानता रखती है। इस प्रकार आधुनिक शिल्प को कौशल को प्राचीन प्रतीकवाद के साथ जोड़ती है। शालिग्राम शिला तांबे की प्लेटें सोना और अष्ट धातु से मिलकर बनाया गया है। मंदिर के डिजाइन के भव्य आयामों और जटिल विवरणों को कलात्मक दृष्टि और पारंपरिक वास्तुशिल्प कौशल के मिश्रण के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। राम मंदिर के लिए सर्वोत्तम संभव वास्तुशिल्प डिजाइन खोजने के लिए भारत भर में लगभग 550 मंदिरों का अध्ययन किया गया। राम मंदिर के कुछ प्रमुख वास्तुशिल्प आकर्षण प्रकार देखे जा सकते हैं। मंदिर की नींव के निर्माण के लिए कृत्रिम चट्टान की तरह दिखने वाली रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत का उपयोग किया गया है। जमीन की नमी से सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का 21 फुट ऊंचा चबूतरा बनाया गया है तथा मुख्य मंदिर नागर शैली में बना है। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि 2020 में पुराने डिजाइन को वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र के अनुसार संशोधित किया गया था। यह प्राचीन ज्ञान के साथ सौंदर्यात्मक अनुग्रह को मिश्रित करने के सचेत प्रयास को दर्शाता है तथा सोमपुरा परिवार के पास मंदिर शिल्प कौशल की एक समृद्ध विरासत है और वह सोमनाथ जैसे कुछ प्रसिद्ध भारतीय मंदिरों के डिजाइन से जुड़ रहे हैं। इस प्रकार उनका सहयोग राम मंदिर के वास्तुशिल्प डिजाइन में निरंतरता की भावना लाता है और इसमें एक ऐतिहासिक और कलात्मक आयाम जोड़ता है। मंदिर में 3 मंजिलें होंगी। प्रत्येक मंजिल को भक्तों को भगवान राम की दिव्य यात्रा के विभिन्न चरणों का अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है और मंदिर के भूतल को भगवान राम के जन्म और बचपन की कहानी को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है और पहली मंजिल को भगवान राम के दरबार की तरह डिजाइन किया गया है तथा प्रतिष्ठित मंदिरों में कुल 5 मंडप हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना और कीर्तक मंडप हैं। मंदिरों में कुल 44 दरवाजे हैं, जिनमें से कुछ पर 100 किलो सोने का लेप लगाया गया है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। इस प्रवेश द्वार में रामायण के प्रमुख पात्रों की मूर्तियों और प्रतिमाओं का एक श्रृंखला है तथा मंदिर के खंभे और दीवारें देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ भारत के सदियों पुराने इतिहास को दर्शाती है। जटिल नक्काशी से सुसज्जित है तथा
पूरे परिक्रमा पथ पर पैदल मार्गों और स्तंभों पर वाल्मीकि रामायण की 100 घटनाओं को उकेरा गया है। विचार राम कथा दर्शन प्रस्तुत करने का है। परिसर के चारों कोनों पर एक एक मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर सूर्य देव देवी भगवती गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर की उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में भगवान हनुमान का मंदिर है। मंदिर के पास सीता कूप नामक एक ऐतिहासिक कुआ स्थित है। यह भारतीय प्राचीन काल की है। मंदिर के परिसर के भीतर निर्माण के लिए प्रस्तावित कुछ अन्य मंदिर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।